आज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ रश्मि पारी। खबरों की शुरुआत करेंगे रायपुर से। रायपुर में महापौर एचआर ढेबर और पूर्व मुख्य सचिव विवेक झान सहित बड़े रसूखदारों के यहाँ कल से शुरू हुई छापामार कार्रवाई आईटीटी अभी भी जारी है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जानकारी के मुताबिक देर रात तक सेंट्रल इनकम टैक्स के अधिकारियों ने सभी के ठिकानों पर जांच की है। 2 से 3 दिनों तक छापे लगातार जारी रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। कल दिन भर आयकर के अफसरों ने दस्तावेजों की जांच की है और छापे की मुख्य वजह पॉलिटिकल फंडिंग को माना जा रहा है। बहरहाल आयकर विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। महापौर जाल ठेबर पूर्व मुख्य सचिव विवेक धान सहित कई बड़े रसूखदारों के यहाँ आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। कल सुबह 9 बजे से शुरू हुई कार्रवाई यहाँ पर अभी भी जारी है और लगातार जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो अंदर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। ये पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान में रेरा के अध्यक्ष विवेक धान का घर है जहाँ पर यहाँ पर कार्रवाई अभी चल रही है। जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर पूछताछ चल रही है और विवेक धान भी अंदर मौजूद है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो बाहर सुरक्षा में लगे हुए हैं और इसके अलावा महापौर चार ढेपर के 6 से 7 ठिकानों पर अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। कल देर रात आयकर विभाग के अधिकारी उनके एक होटल भी पहुंचे थे, वहाँ पर दस्तावेजों की जाँच की गई है। इसके अलावा कई और बड़े रसूखदार गुरुचरण सिंह होरा जो होटल कारोबारी है उनके यहाँ भी लगातार कार्रवाई जारी है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आयकर विभाग की ये पूरी कार्रवाई 2 से 3 दिन और चलेगी क्योंकि काफी बड़ी कार्रवाई है और छापे का मुख्य कारण पॉलिटिकल फंडिंग को बताया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद निश्चित तौर पर यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे इस कार्रवाई में हो सकते हैं। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। भोपाल में कांग्रेस आगर उपचुनाव की तैयारी